हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 बताऊंगा, ठीक है। ये जो है ये डिफरेंशिएशन से है, तो जो डिफरेंशिएशन अगर आपको सीखना है तो आप मेरे सारे वीडियो को देखिएगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन आ जाए। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि हमको इसका डिफरेंशिएशन dy/dx, मतलब अगर dy/dx में dx जो नीचे में है, तो ये जो दिया हुआ है x नीचे में, इसको बोलते हैं x के रिस्पेक्ट में, मीन्स y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमको इसमें सारे में इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टू एक्स प्लस 3y, ठीक है, इक्वल साइन x दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इसको करना क्या है, इसका dy/dx हमको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में है कि हमको इसका dy/dx निकालना है, तो कैसे होगा तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम दोनों तरफ अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेगा, डी ये पूरा हुआ 2x प्लस 3y/dx, इधर लिख दिया, इधर भी साइन एक्स है, तो इधर डी साइन एक्स बाय डी एक्स। और देखिए ये दोनों पे तो डेरिवेटिव जा सकता है ना dy/dx, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से। मैंने जो आपको पिछला वीडियो बताया तो उसमें बताया था ना, जब प्लस हो या माइनस हो तो दोनों पे dy/dx जाएगा। तो देखिए ये ऐसे होगा, d 2x/dx प्लस d 3y/, तो यहाँ देखिए अब यहाँ y है लेकिन यहाँ x लिखना है, तो ये जो यहाँ पर y है यहाँ पर, तो ये तो x यहाँ पे तो है नहीं, तो इसको हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, जो कि यहाँ चेन रूल यहाँ लग सकता है। तो यहाँ 3y होगा, तो यहाँ पर 3y हुआ, ठीक है। तो 3y का डिफरेंशिएशन हम पहले करेंगे, तो 3y आएगा, ठीक है। तो 3, चलिए इसको dy/dx ही लिख देते हैं, अगले स्टेप में मैं समझाऊँगा, ठीक है। जैसे हो गया, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन विथ साइन x है, तो d साइन x कर देंगे सिंपली, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे हो गया, यहाँ पर x जो है वो अकेला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। और dx/dx क्या हो जाएगा, ऐसे बच जाएगा ना, dx/dx, ठीक है। तो ये तो कैंसिल होकर 1 भी दिख सकते हैं ना इसको। और देखिए यहाँ पर जो ये तो 3 दिख रहा है, ये तो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ क्या बचेगा, dy/dx, ठीक है। और इसका जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये जो है ये दोनों कैंसिल हो गया ना, इसका वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 लिख दिया, प्लस 3 dy/dx, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, dx इक्वल्स कॉस एक्स, ठीक है। तो अब देख रहे हैं अभी इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन निकल चुका था। तो अब देखिए ये जो 2 है इसको हम उस साइड कर देते हैं, तो कॉस एक्स -2 हो जाएगा, होगा नहीं, तो यहाँ पर जो 2 दिया हुआ था उसको हम कॉस एक्स साइड कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 dy/dx था, यहाँ क्या था, +2, तो +2 जब इधर आया और यहाँ क्या था, कॉस एक्स, और यहाँ पर जो +2 दिया हुआ था इधर आ गया, तो -2 हो गया, तो ऐसा हुआ।
अब देखिए ये जो थ्री है इसको हम इसके नीचे लिख सकते हैं, तब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा ना। हमको यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का ही वैल्यू निकालना था डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, कॉस एक्स माइनस टू बाय ये जो थ्री था ये नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, कितना आसान था, अब इसके आपको समझ में आ गया होगा है ना, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से बताऊंगा। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स साइन वाई, याद रखना है इसको हमको किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी लगेगा डिफ्रेंशिएशन, दोनों पर डिफ्रेंशिएशन जाएगा, फिर से वही डी टू एक्स प्लस थ्री वाई बाय डी एक्स। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ डी साइन वाई बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों पर डिफ्रेंशिएशन चला जाएगा क्योंकि प्लस साइन है, तो डी टू एक्स बाय डी एक्स प्लस डी थ्री वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स डी साइन वाई, तो डी साइन वाई इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, और इसका चेन रूल बन सकता है आप देख रहे हैं। ये देखिए डी साइन वाई हुआ, यहाँ वाई है तो वाई का हम फिर से करेंगे, वाई यहाँ आया इंटू डी वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करना था तो डी वाई बाई डी एक्स, अब हो गया। अब इतना तो इसको हम कर सकते हैं, चेन रूल लगा इस पर। तो देखिए अब यहाँ इसमें जो टू है वो बाहर आ गया, तो टू एक्स डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा टू इन वन हो जाएगा, टू इंटू वन क्या हो जाएगा टू, यहाँ प्लस, अब मैं यहाँ शॉर्टकट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये देख के समझ लीजिएगा पहले वाले से। तो देखिए ये जो थ्री है ये थ्री कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, बच गया ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन साइन वाई का, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स की जगह क्या दिया हुआ वाई, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हो गया ये। अब हमको इसमें करना क्या होगा कि ठीक है, तो देखिए ये जो टू यहाँ दिख रहा है इसको हम उधर ले चले जाते हैं, एक काम करते हैं ये जो यहाँ पर थ्री डी वाई बाई डी एक्स है इसको ही उधर ले चले जाते हैं, तो दोनों डी वाई बाई डी एक्स एक ही जगह आ जाएगा, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए टू यहीं है एक और, ये जो थ्री है उधर जाएगा, तो यहाँ क्या था पहले से कॉस वाई ये वाला इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो था ही, ये जो प्लस था इधर आया तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ थ्री डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे कि ये दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लग रहा है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ होगा टू, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स दोनों को कॉमन लेंगे कॉस वाई माइनस थ्री। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे जो तो डी वाई बाई डी एक्स है इसको ये रहने देते हैं, और कॉस वाई माइनस थ्री को इधर इस साइड कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा। तो देखिए अब वहाँ पे क्या था क्वेश्चन कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रहना देना है, और ये कॉस वाई माइनस थ्री को उस साइड ले आना, तो यहाँ क्या था, तो यहाँ पर टू पहले से था, और यहाँ पर उधर से जो था कॉस वाई माइनस थ्री इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डी वाई बाई डी एक्स का ही ना वैल्यू फाइंड करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर टू का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स कॉस वाई, तो इसको भी करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है इक्वल्स कॉस वाई। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इसमें भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ से, तो अब क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
ठीक है, तो हो गया। और देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स ए एक्स, ठीक है, प्लस दोनों पे डी चला जाएगा ना, अलग अलग हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स बी वाई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल्स डी कॉस वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो दोनों पे डिफरेंशिएशन चला गया। अब देखिए ये जो ए कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ ए ही होगा, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर है तो बी कांस्टेंट है, बी बाहर आया, और वाई का होल स्क्वायर है मीन्स एक्स पे पावर एन के फॉर्म में है, तो एक्स पे पावर एन के फॉर्म में है तो टू आ जाएगा, एन क्या है टू, टू आया, ए क्या है मीन्स एक्स वाई वाई, एन माइनस वन टू माइनस वन हो जाएगा, तो टू माइनस वन वन ही होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं लिखने से, हो गया। तो यहाँ पर तो वो देख रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो एक बार और ये जो y है, अब y dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो dy वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos y का d cos y होगा बाई डी एक्स होगा, इंटू cos y को कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ cos y मीन्स यहाँ पर y आ जाएगा चेन रूल से, तो इंटू dy वाई बाई डी एक्स, क्यों लिखे तो क्योंकि यहाँ हमको x के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना था, ठीक है, तो इतना आया हमारा आंसर। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये जो cos y बचा हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, इसका cos y का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा माइनस साइन x, साइन x मीन्स y, x की जगह y है ना, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए ये जो टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको उस साइड ले चल जाते हैं, ठीक है, ताकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाए, तो यहाँ पे ए आया इक्वल्स माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो प्लस है तो इधर आएगा, तो माइनस टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो dy वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस साइन y, ठीक है, माइनस साइन y माइनस टू बी वाई, ठीक है, क्योंकि dy वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो इतना आया हमारा। अब देखिए ये जो माइनस साइन y माइनस टू बी वाई है, इसको हम एक इस साइड कर देते हैं, dy वाई डी एक्स को रहने देते हैं अकेले, तो यहाँ क्या बचेगा ए बाय माइनस साइन वाई माइनस टू बी वाई, ठीक है, और फिर इक्वल्स क्या बचेगा इधर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस देख रहे हैं दोनों कॉमन आ रहा है, माइनस दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन वाई प्लस टू बी वाई, ठीक है, इक्वल्स डी वाई बाय डी एक्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री भी बन गया, ठीक है, आंसर इतना आया। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, तो फोर नंबर क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बोथ साइड दोनों तरफ कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड साइड भी, तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स डी टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है, बाय डी एक्स। अब देखिए दोनों पे डिफ्रेंशिएशन चला जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से दोनों पे डिफ्रेंशिएशन चला जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं डी एक्स वाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई का होल स्क्वायर बाय डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स
दोनों पे यहाँ पर भी जाएगा डिफ्रेंसिएशन, डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स इंटू वाई है, ठीक है, यू इंटी वी के फॉर्म में लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स यू है और वाई भी है, ठीक है, तो यू इंटू वी के फॉर्म में जब रहता है तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं लिख देता हूँ, एक्स इंटू वाई मीन्स पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, यू मान लेते हैं इसको वी मान लेते हैं, तो यहाँ एक्स जो है पहला है, तो यहाँ लिखेंगे पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, तो डी एक्स करके वन हो जाएगा, तो वाई यहाँ से बचेगा, ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे करना है। तो कितना आया था हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो किए तो आया था एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो ये एक्स एन के फॉर्म में है, वाई पे होल स्क्वायर, तो एन मीन्स टू एक्स वाई है, और टू माइनस वन मीन्स वन ही होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। अब देख रहे हैं वहाँ पे वाई का भी रिस्पेक्ट से हमको एक्स के रिस्पेक्ट में करना चाहिए, लेकिन यहाँ वाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है हो गया, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, हो गया, सिंपल है ना। अब देखिए अब ये जो यहाँ y है इसको इधर ले आते हैं, यहाँ पर dy बाई dx ले लेते हैं ताकि वो तीनों कॉमन आ जाए, तो ले लेते हैं x dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस dy बाई डी एक्स, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर sec स्क्वायर x, और ये जो प्लस वाई है इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सारे में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तीनों में डी वाई बाई डी एक्स है इसीलिए, ठीक है, तो अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ एक्स था, एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ठीक है, तो एक्स प्लस टू वाई माइनस वन आ गया इक्वल्स, ये साइड क्या है, राइट हैंड साइड, तो उधर है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सॉरी यहाँ माइनस वाई नहीं होगा, हाँ ठीक है सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई नहीं होगा, तो यहाँ का लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो गया। अब हम क्या करना है, ये जो एक्स प्लस टू वाई माइनस वन है इसको इसके नीचे ले आएंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ही आ जाएगा हमको, जो कि वही फाइंड करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स यहाँ होगा सेक स्क्वायर वाई, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये जो था एक्स प्लस टू वाई माइनस वन यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, यही तो हमको लाना था डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो आ गया, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं, तो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स हंड्रेड है, हमको इसमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है इसका, तब क्या करेंगे, दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स पुट करेंगे, मीन्स डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों है, तो यहाँ क्या होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स डी हंड्रेड बाय डी एक्स, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे करते हैं, तो देखिए ये तीनों पे प्लस है, तो तीनों पे हम डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं, तो पुट कर देते हैं,
डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई का होल स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल्स, और इसका डिफ्रेंशिएट जब कीजिएगा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन विदाउट एक्स रहे उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो हो गया, अब हम इस सबका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ एक्स इंटू वाई है, फिर वही फंक्शन है एक्स इंटू वाई मीन्स यू इंटू वी के फॉर्म में, और मैंने क्या बताया अभी, जब भी एक्स इंटू वाई के फॉर्म में होगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया। और इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या आएगा, वाई का होल स्क्वायर है मीन्स एक्स एन के फॉर्म में, तो टू है एन, वाई है एक्स, एक्स एन के फॉर्म में है टू वाई, टू माइनस वन मीन्स जी वन हुआ, तो कोई फायदा नहीं लिखने से, और हमको क्या करना है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल जीरो, अगर नहीं समझ आया जाए तो एक और बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स, ये जो एक्स पे पावर एन के फॉर्म में लग रहा है, ये एक्स पे पावर एन मीन्स एक्स यहाँ क्या है वाई है, एन क्या है टू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एन एक्स मीन्स ये एन माइनस वन होता है ना, तो यहाँ पर भी करेंगे एन यहाँ क्या है टू, एक्स है वाई, एन माइनस वन मीन्स टू माइनस वन, टू माइनस वन वन होगा, और किसी पे भी पावर वन रहेगा मीन्स वही होता है जितना दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही हो गया इनटू, अभी जानते हैं इसको वाई के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, ना कि वाई के रिस्पेक्ट में, जो कि इसको छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो एक बार ऐसे होगा ना, ये टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही तो मैं बता रहा था ना, टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखा है टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वही यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो हो गया हमारा। अब देखिए अब हम यहाँ देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स जो जो है जिस पे है उसको हम कॉमन ले लेंगे, और जिस पे नहीं है उसको उस साइड कर देंगे, ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड उधर राइट हैंड साइड हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ टू एक्स है उधर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ प्लस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, यहाँ पर टू एक्स था तो इधर आ गया माइनस टू एक्स, और यहाँ प्लस वाई था इधर आ जाएगा माइनस वाई, हो गया। अब हम इन दोनों में कॉमन डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो क्या डी वाई बाई डी एक्स हम दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे यहाँ क्या बचा हुआ था, तो देखिए एक्स प्लस टू वाई हो जाएगा, ठीक है, कॉमन लेने पे यहाँ होगा एक्स प्लस टू वाई, कॉमन ले लिए दोनों पे डी वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस टू एक्स माइनस वाई, हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको हम इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ पे इनटू में है तो इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस टू एक्स माइनस वाई, ठीक है, बाय डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू वाई, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, है ना। तो ये हमको तो फाइंड ये करना था, तो हो गया ये आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव भी हो गया, अब करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, एक्स पे होल क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई पे होल स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल्स 81 है, ठीक है। तो ये हमको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर करेंगे, तो ये करते हैं, तो इधर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यू इक्वल्स डी 81 बाई डी एक्स, हो गया।
अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है कि नहीं, तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से सारे पे डी वाई बाई डी एक्स जाएगा, कर देते हैं डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई होल स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई क्यू बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा क्योंकि ये कांस्टेंट अकेला है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक्स क्यू के हम एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स पे पावर एन से, तो यहाँ एन क्या है थ्री, एक्स की जगह एक्स, थ्री माइनस वन मीन्स टू, हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अब प्लस, अब देखिए यहाँ यू इंटू वी के फॉर्म में है कि नहीं, यू इंटू वी के फॉर्म में, इसको तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो करते हैं, क्या है हमारा एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई है, इसको यू मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन मीन्स वाई, पहले का डिफ्रेंशिएशन मीन्स एक्स स्क्वायर का, तो डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है टू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू टू एक्स, हो गया। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन आएगा इसका, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई, हो गया। एक्स स्क्वायर वाई का भी डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब इसका करते हैं एक्स वाई स्क्वायर का, तो एक्स वाई स्क्वायर का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, तो इसको भी चेक करते हैं एक्स वाई स्क्वायर का, तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो ये एक्स जो है इसको पहला फंक्शन, वाई को दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन में डी वाई का होल स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन मीन्स वाई का होल स्क्वायर इंटू पहले का डिफ्रेंशिएशन मीन्स डी एक्स बाय डी एक्स, हो गया ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं ऐसे एक्स, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो टू वाई और फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ऐसे हो गया, और फिर इसका वाई स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स डी एक्स तो कैंसिल होकर वन हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर नहीं रहेगा, तो ये क्या आया एक्स टू टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आया है वो आया है टू एक्स वाई, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और क्या आया था टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, हो गया फिर प्लस, और वाई का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं थ्री, मतलब एक्स एन पी फॉर्म में, तो थ्री वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका भी डिफ्रेंशिएशन इक्वल्स क्या होगा जीरो हो जाएगा, हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो जो जिस पे इसे डी वाई बाई डी एक्स नहीं दिया हुआ है उसको हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं, ठीक है, ताकि डी वाई बाई डी एक्स का कॉमन ले सकें। तो आइए लिखते हैं, अब तो पहला क्या था कि यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, थ्री वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो प्लस टू एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस थ्री वाई बाय थ्री वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, ओके। अब देखिए इक्वल्स, अब हमको उस राइट हैंड साइड क्या क्या ले जाना था, तो थ्री एक्स स्क्वायर है ये वाला, थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई और वाई स्क्वायर मीन्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके, तो आएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है,
और फिर इधर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएट में कॉमन लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले चुका। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई हो गया, कॉमन लेके लिख दिया। अब देखिए ये जो यहाँ पे था उसको यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई है इसको इसके नीचे लिख देंगे ताकि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इधर लाने पे तो उसके नीचे ही लिखाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये वाला इसके नीचे आ रहा है प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई हुआ। और आप इसमें चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं माइनस जो है। ठीक है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई हो गया। तो डिफ्रेंसिएशन निकल गया है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हो गया।